और मेरा बैग पकड़ लिया। तो नहीं, लेकिन ये बस मिल गया है, देखो दोनों दौड़ के आ रहे हैं, फटाफट से इसमें चढ़ जाएंगे। ऑटो तो नहीं मिला, लेकिन ये हमको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ये फाइनली रीच द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और ये जगह बहुत ज़्यादा मतलब क्या ऑसम दिख रही है। वल्लभ भाई का एक बड़ा सा स्टैच्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा पीछे, वीडियो के अंदर आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा यूज दिख रहा है। वीडियो में पता नहीं कि छोटा दिख रहा था, यहाँ से अगर मैं लाइव भी दिख रहा हूँ ना तो मेरे को बहुत बड़ा दिख रहा है। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं गेट नंबर 4 से, वहाँ से हमारी एंट्री है, और ऑनलाइन ये सारा जो बुकिंग वगैरह था वो सारा ऑनलाइन ही किया है। तो मैं भी प्रीफर करूँगा कि अगर आप लोग भी आ रहे हो तो ऑनलाइन बुकिंग करके ही आना, वो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा। या फिर आपकी ओलखाने डिस्काउंट वगैरह लग रहा है तो ऑफलाइन में आप जा सकते हो, ठीक है। और मैं आपको अभी इसके थोड़े सिनेमैटिक्स देता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑसम दिख रही है भाई वल्लभ भाई का स्टैच्यू। पीछे सिक्योरिटी चेकिंग हो गया हमारा और सब लोग ये रहे, और इस तरफ है सरदार वल्लभ भाई का स्टैच्यू, ये रहा। इसमें छोटा छोटा दिख रहा है, पास जाके बड़ा दिखाता हूँ, पास जाके बहुत बड़ा दिखेगा, दूर से बहुत छोटा दिख रहा है। आपको लाइक वाइज ऐसी क्यू बना रखी है सारी, उसके अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ से स्कैन करेंगे जो अभी आपका टिकट होगा, और उसके बाद आगे एक बड़ी सी लाइन है, और उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। दिस इज द सिक्योरिटी चेकिंग, यहाँ पे ये पूरा लाइन लगा हुआ है, ये इस तरफ लेडीज़ का होता है, उस तरफ जेंट्स का, और इसको क्रॉस करने के बाद आपको देखने को मिलता है ये बड़ा सा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे अभी वो मशीन से बैग वगैरह चेक करते हैं कि बैग के अंदर क्या है क्या नहीं है, और मेरा बैग पकड़ लिया, बोले कि बैग के अंदर छोड़ा ही नहीं। बैग तो दे दिया ना, बस चेक कर रहे थे अंदर चार्जर वगैरह पड़ा था, तो खोल के देख लिया, चार्जर निकला, दे दिया वापस। दिस इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और हम लोग वहाँ चेस्ट के वहाँ जो जगह है हम लोग वहीं जाने वाले हैं सबसे पहले, क्योंकि पहले वहाँ से व्यू लेंगे। देखिए कितनी मस्त सुविधा है आप लोगों के लिए, एक्सेलरेटर दे रखा है इधर, और बाजू में आराम से मस्त व्यू एंजॉय करते करते जाओ सरदार भाई के चरणों में। अभी हम लोग एंटर हो गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर, और यहाँ पे छतरी के लिए आपको ऐसे प्लास्टिक बैग भी देते हैं, वो मशीन आती है ना ऐसे खड़ा करके निकालने वाले, उसमें से आप आराम से अपनी छतरियाँ वगैरह निकाल सकते हो। और अंदर से बहुत ही शानदार बना हुआ है, और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई का एक फेस का स्टैच्यू भी बना रखा है मॉन्यूमेंट टाइप्स, क्योंकि ये उसका एग्जैक्ट नीचे का ही बाग है, तो वो भी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। और पहले कैमरा साफ करने दो। देखो लाइन कितनी बड़ी लग रही है, पूरी यहाँ से ये पूरी लाइन जा रही है, और हमको उस तरफ लगभग लाइन में खड़ा होने का है। तो मेरे को बाकी बहुत जो आजू बाजू हम लोग जगह गए वहाँ से थोड़ी बहुत शिकायतें थी, लेकिन ये जगह पे आके सारी शिकायतें दूर हो गई, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन बना है अंदर से। दूसरी चीज़ें भी इतनी अच्छी बनाओ यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। दिस इज़ द एरिया, वो जो बीच की जगह है वल्लभ भाई की छाती में, हम वल्लभ भाई की छाती पे मूंग दलने आ चुके हैं, और यहाँ से वो पूरा गैलरी व्यू दिखता है, सेम इस तरफ भी दिखता है। और ये लिफ्ट बहुत सही है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, मस्त फटाफट से ऊपर पहुँचा दिया हम लोगों को, और हम लोग ऊपर आ गए, और अभी हम लोग सबका आने का वेट कर रहे हैं। आप वैसे ही बाप हो मेरे, आपको राउंड कलर का दिख रहा है ना, वो सरदार वल्लभ भाई की कुर्ती का बटन है। और मैं भी आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ ये बीच से, ये देखो एकदम जबरदस्त व्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत सही दिख रहा है नहीं। तो दिस व्यू वॉज फिनोमिनल। तो आप लोगों को कैसा लगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मतलब सरदार वल्लभ भाई के दिल से पूरी आजू बाजू की जगह देखने का? अभी पीछे से भी दिखाऊंगा, क्योंकि पीछे भी सेम टाइप का विंडो है, और वहाँ से बहुत सही व्यू आ रहा है। वहाँ पे वो जो ब्रिज था ना, जहाँ से मैंने आपको स्टार्टिंग में छोटे से सरदार वल्लभ भाई दिख रहे थे दिखाया था, अभी वहाँ
अब वो जगह को आप छोटा सा देखो सरदार वल्लभ भाई के अंदर से। यहाँ पे लाइट्स वगैरह बहुत अच्छी आ रही है और टैनिंग हो गई है मेरे को, कुछ करना पड़ेगा वापस घर जाके। ये साला पूरा कलर चेंज हो गया शरीर का। और अभी मैं आपको वो जो व्यू दिखाता हूँ जो मैं बोल रहा था, तो जो ब्रिज दिख रहा है ना आपको, वहाँ से हम लोग सुबह में आ रहे थे एंड सी दिस, देख रहे हो कितना छोटा है। यहाँ पे जो है ग्लास है तो इसके उस पर तो जाके मैं आपको जैसे पहले वाला व्यू दिखाया था वो दिखा तो नहीं सकता, लेकिन जालियों के पीछे से आप ये व्यू एंजॉय कर सकते, इतना प्यारा व्यू है। तो यार अगर आप लोग इंडिया में रहते हो तो यहाँ पे आओ यार, बहुत सही जगह है घूमने फिरने की। और मेरे कबीले वाले खो गए, उनको ढूंढना है मेरे को। सरदार बाबूश, मैं टिटारा की पहाड़ियाँ चीरते हुए आया हूँ आपके गिरोह में शामिल होने। तो हम लोग 135 मीटर की हाइट तक गए थे और वहाँ से नीचे आने में हमको लगे अराउंड 42 सेकंड्स एग्जैक्टली, पापा ने कैलकुलेट किया है। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं उनके चरणों की तरफ, एस्केलेटर से बाहर से जाएंगे और उनका टो के पास जाके आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा लगता है, क्योंकि टो पे तो हम इतने से दिखेंगे। हमारे कुछ ज्ञान पे लेंगे भैया। हाँ बताओ भाई, ये लिफ्ट सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, इसके लिए ये लिफ्ट लगाई है ये वाली। ये नीचे देखो सिलिकॉन पैड्स लगे हुए हैं इसमें, ताकि नीचे स्क्रैचेस ना गिरे ये पूरे फ्लोर पे, समझ रहे हो, ताकि इससे मतलब चीज़ ख़राब भी ना हो और सफाई भी हो जाए। पैसा तो इधर भाई खर्च किया है और दिख भी बहुत शानदार रहा, एकदम आलीशान। इस एस्केलेटर की मदद से ऊपर वहाँ उस टो तक जाएंगे, और अच्छा है कि एस्केलेटर है क्योंकि चढ़ने में बहुत मेहनत लगती है और वहाँ तक चढ़ने में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो एस्केलेटर इज़ द बेस्ट वे अप देयर। भाई के पैर, और देखो कितनी बड़ी प्रतिमा है। हम लोग सरदार वल्लभ भाई के चरणों तक आ चुके हैं और ये जो पीछे आपको दिख रहा है ना, ये उनका पाँव है। ये देखो उनका अंगूठे के है ना, जो नीचे का तला होता है ना, वहाँ तक आ रही है हमारी आई। मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊं कितना ऊंचा है, देखो। और हम लोग थे उनके थर्ड बटन पे और 42 सेकंड्स में चढ़ा के उतार दिया, तो बहुत सही फोटोज़ और यहाँ पे सीनरीज है। मैं आपको एक पैनोरामा दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिया, एकदम आप बोलेंगे भाई ये तो जन्नत है, देखो। देखा अच्छा लगा, तो आओ देखो पीछे भी ऐसा नहीं लग रहा, वादियाँ हैं, अभी मस्त रिमझिम बारिश हो रही है। आओ यहाँ पे अच्छे से एंजॉय करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ऊपर आके आप रुको, ऊपर से नज़ारे भी मस्त आएंगे पीछे, लाइक आपको वैसे लगेगा वादियों में घूमे। और अभी बारिश आ रही है तो मैं चलता हूँ फटाफट से, कैमरा का नुकसान हो जाएगा भाई। देखो हमने एंट्री कहाँ से की थी, मैं आपको बताऊँ, छेक वहाँ से हमने एंट्री की थी, उस तरफ से, वहाँ से ऐसे आए, फिर यहाँ चेकिंग हुआ जहाँ पे अपना फीमेल और मेल के लिए अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड का चेकिंग था, वहाँ पे मेरा बैग पकड़ लिया था, फिर वहाँ से यहाँ पे आए, फिर वहाँ से अंदर गए, एंड देन वी आर हियर। हमने ऊपर बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, एंजॉय किया, थोड़ी देर आराम से बैठे, और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। और मैं आपको मेरे फ़ोटोज़ दिखाऊं क्या, देखना देखो। हाँ ये रहा नहीं जाता, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, देखे अच्छे लगे तो फिर आप भी आओ फोटो वगैरह खींचो अच्छे से और मज़े लो, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी जगह बनाई है ये। छोटा सा कांड हो गया, हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे तो लगभग वहाँ छतरी वहीं रह गई छोटी वाली जो मेरे हाथ में थी ब्लू कलर की, तो अभी उसको ढूंढने जा रहे हैं कि कहाँ रह गई, मिल जाए तो अच्छा है भाई, बारिश कभी भी आ रही है इधर। अनफॉर्चुनेटली दो अम्ब्रेला आए थे हम लोग और दोनों ही खो गई, और एक तो जो अभी खोई वो शायद मेरे से ही खो गई, जब हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे ना तभी शायद खो गई रहेगी। अभी बारिश आएगी तो बहुत तकलीफ़ देने वाली है, बारिश आनी नहीं चाहिए। इंद्रदेव दो दिन अभी थोड़ा संभाल लो हमको, हम पे थोड़ी कृपा करो, बारिश मत करना प्लीज। देखो ये
ये प्राइमरी रेनबो है, ये सेकेंडरी रेनबो है, इसके अंदर कलर्स थोड़े उल्टे होते, एकदम लाइट सा आपको दिख रहा होगा इधर पीछे, देखो मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे बारिश में आना एक तरीके से तो सफल हो गया, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो मैंने कभी भी एक साथ देखे नहीं अभी तक, क्योंकि अभी तक सिर्फ उसके बारे में पढ़ा है कि ऐसा होता है वैसा होता है ये होता है फलाना ढिमकाना, तो आज देख भी लिया। तो बारिश में इतना कीचड़ में चलने का जो भी कुछ था वो सफल हुआ, अच्छा लग रहा है भाई। दो दो आप लोगों को दिखे ना मेरे को कमेंट में दिखा बताना। अभी हम लोग यहाँ से तो निकल चुके हैं और अभी हमारा है लाइट शो, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। अभी तो यहाँ से निकले भी नहीं, आपको देख के मालूम चल रहा होगा, पर यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर है तो आराम से पहुँच जाएंगे। बाहर से बस भी मिलता है जहाँ पे हम लोग पहले उतरे थे, तो वहीं से डायरेक्ट चले जाएंगे। वाह कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है या थकान लग रही है? तो अभी सारे लोग तो थक गए चल चल के, नहीं हुआ? हाँ बहुत थक गए, गाड़ी लेके आए फिर भी इतना चलना पड़ रहा है, तो बहुत चलना पड़ रहा है भाई। मस्त लोग लिख रही देख। और वो पासा बस ठीक है, मजा आ रही है? मजा है। तेरे को कैसा लग रहा है? पाँव दुख रहे हैं। अच्छा लग रहा है, पाँव दुख रहे हैं? पाँव तो दुखेंगे, घूमना है तो पाँव दुखाने ही पड़ेंगे ना, उसमें क्या है? दुखाना ही है, सबको दिखाना है। अपन घूमते हैं, लोगों को घुमाते हैं आराम से, ये लोग घर बैठ के देखेंगे, अपन इधर घूम रहे घूम रहे हैं। मजा तो आ रही है, पर मजा तो आती है ना। हाँ बहुत अच्छी बच्ची जगह बनाई है, ऊपर का एटमॉस्फेयर वगैरह भी बहुत सही है, देखो सामने देख तो। हाँ वेदर, अपन बारिश में आए ना तो एक 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 वो खराब चीज़ हो गई कि रास्ते खराब मिलते हैं, पर क्लाइमेट बहुत सही मिलता है बारिश के अंदर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ग्लो गार्डन पे, और ये नाम जितना तो ग्लो कर ही रहा है भाई, नाम से ज्यादा ग्लो कर रहा है। अचानक से मेरे कपड़े चेंज दिख रहे होंगे, क्योंकि हम लोग अभी रिसॉर्ट पे आ गए और मैं बहुत थक गया था, खाना वगैरह तो हमने खा लिया, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी बहुत लो चल रही थी, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड किए, कुछ कुछ जो है रह गई है। और जो लाइट शो था भाई साहब, क्या मस्त लाइट शो था, अगर आप यहाँ हो तो बिल्कुल मिस मत करना, और कुछ मिस करो ना कुछ सब चलेगा। लाइट शो अगर मिस किया ना, लेज़र शो सॉरी, जो रात में होता है इधर सरदार वल्लभ भाई की स्टैचू के ऊपर, क्या मस्त उनकी कहानी बताते हैं, उनके जन्म से लेके वो सरदार, किस तरह उनको सरदार की पदवी मिली, सब कुछ एकदम अच्छे से मस्त एक्सप्लेन किया है उसके अंदर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। बहुत ज़्यादा मेहनत और क्या बोलते हैं हार्डवर्क लगा होगा इसको बनाने में, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अच्छा भी बहुत था। तो अभी मैं आपको रूम दिखा देता हूँ कि किस तरह का रूम है। रूम अच्छा है, ये बेड है, हमने यहाँ पर पूरा बेड पे कब्जा कर लिया है, सब कचरा विचरा कपड़े वगैरह फैल गए क्योंकि हमने चेंज किया है अभी। ये एक बेड, दो बेड क्वीन साइज, फिर यहाँ पे कूलर मिल जाता है, वहाँ पे 3 अडैप्टर पॉइंट्स है जिसमें एक ये पंखे वाला ही है, और उसके बाद एसी है, एंड देन इधर एक मस्त सा कांच, एंड वॉशरूम वहाँ पे भी एक अडैप्टर पॉइंट है। ओवरऑल रूम तो अच्छा है, और हम लोग कल अगले दिन दूसरे रिसॉर्ट में रहने वाले हैं, और कल का प्लानिंग भी बहुत अच्छा है, बस आज चलना बहुत ज़्यादा पड़ा, अराउंड 13-14 किलोमीटर हमने आराम से चलते चलते नाप लिया आज के वीडियो के अंदर। और काश ये वीडियो तलम ना बने, क्योंकि मैंने इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया कि कितना बड़ा बनेगा। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आए, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आजू बाजू थोड़ा डार्क एरिया था, अभी क्या मानसून का वेदर चल रहा है तो थोड़ा क्लाउडी वगैरह रहता है, फ़ोन से इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया है कि आपको जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिखाऊं, क्योंकि वो हमारे भारत का गौरव है, और सरदार को इससे अच्छे से सम्मानित नहीं किया जा सकता था, और मोदी ने बिल्कुल सही काम किया उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा बना के। तो अभी थोड़ी देर बाहर बैठेंगे और फिर सो जाएंगे, और अगर कुछ नहीं होता है तो आई विल बी राइट बैक। तो इसके बाद जो है मैं सो गया था, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, आज का ये व्लॉग यहीं तक रखेंगे, और आप इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।